मिशन में जब भी मुझे लगता है ना कि वो इंसान इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, तुम मुझे गलत साबित कर सकती मुझसे बहुत ज्यादा नफरत होने लगती है। नफरत तुम्हें मुझसे नहीं है यहाँ, फालतू से होनी चाहिए। पूरे फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ फालतू ही है। मुझे तो लगता है तुम हमारे घर में इसीलिए आ रही ताकि तुम सबको बर्बाद कर सके। वो मुझसे पंगा लेने का एक मौका भी नहीं छोड़ती है। लेकिन मैं आयान तुम्हें सब कुछ वापस करना चाहती हूँ, तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस। अब बिजनेस तो मैं वापस नहीं कर सकती, लेकिन घर बचाने का तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। एक काम कर, मैं तुम्हें तुम्हारी बेगी माई के सबूत दे दूँ, फिर उसके बदले तो उसके बदले क्या फालतू को छोड़ दूं और तुम्हें अपना लूं, है ना? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तक एक ही रात आती रहोगी नहीं हो तुम? नहीं आना, तुम्हारा प्यार मुझे थकने ही नहीं देता है। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और देखो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं सारी हदें पार करने को तैयार हूँ। लेकिन वो फालतू, वो तो अपना ईगो तक नहीं छोड़ रही, उसकी वजह से तुम्हें जेल में रहना पड़ रहा है। गलत। एक तरफ वो फालतू है जिसे मेरे परिवार ने कभी नहीं अपनाया, फिर भी वो मेरे और मेरे परिवार के सामने ढाल बन के खड़ी रही। अपने क्रिकेट के सपने को दांव पे लगाया उसने ताकि मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्ट कर सके। जानती हो क्यों? क्योंकि वो एक बार जिसे अपना कह देती है ना, उसके लिए वो जान भी दे सकती है। और एक तरफ तुम देखो खुद को, क्या क्या बोलती थी, प्यार करती हो तुम इससे, इसे कहते हैं प्यार, ये प्यार करती हो तुम। जैसी हरकत है ना तुम्हारी तनिषा, तुम्हारा ये दोगला चेहरा ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। देखना एक दिन तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी, मैं तुम्हारे घर वो आकर जरूर बैठे हरे सच्चा प्यार दो, तुम्हें कोई अपना बोलने का दोस्त भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास अकेली रह जाओगी तुम। यू नो व्हाई? बिकॉज़ यू वेरी डिसऑफेंड हो। ऐसे मत बोलना, यही सब।